अगर आप भी हेडशॉट नहीं मार पाते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस वीडियो के बाद आप भी हर एक गोली हेडशॉट मार पाइएगा। जैसा कि अभी आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हो मैं कैसे ही हर एक गोली हेडशॉट मार रहा हूँ। तो देखिए ऐसा कुछ सोचने वाले इसमें बात नहीं, मैंने तीन स्टेज पर इस वीडियो को कवर किया हुआ है, तीनों स्टेज मैंने एक ही वीडियो में दिया हुआ है। तो इसके लिए वीडियो को तो फुल वॉच करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीनों स्टेज की तरफ। तो फर्स्ट स्टेज की हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेज में मैंने कैरेक्टर को रखा हुआ है कि हमें कौन सा कैरेक्टर लेना चाहिए जिससे कि हेडशॉट अच्छे लगे, और वो लेना एकदम जरूरी है। तो वो है डीबी कैरेक्टर जो कि 60% एक्योरेसी देती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेडशॉट लगने के चांसेस को इंक्रीज करती है। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ और कोई कैरेक्टर छोड़ दीजिए बट इसे लेना ना भूलिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा करके शॉट गन ही यूज करते हो, बहुत ही ज़्यादा ये शॉट गन यूज करते हो, तो आपको कैरोलिन भी लेना एकदम जरूरी है, दोनों ले लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा शॉट गन चलाते हो तो कैरोलिन को भी जरूर ले लीजिएगा, वो 12% तक के मूवमेंट को स्पीड कर देती है अगर आप लोग शॉट गन का यूज करते हो। तो इससे ही बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आप लोग का सिर्फ और सिर्फ हेड शॉट ही लगेगा। अब नंबर टू पर बात करके हमें कस्टम एचओडी में क्या करना चाहिए। तो देखिए पहले तो आपको क्या करना है कि आपको जिस फिंगर से आप लोग फायर करते हैं अपना फायर बटन जहाँ भी हो उसको पहले मैं बताता हूँ फायर बटन कहाँ रखना है। तो फायर बटन के ऊपर जो आप आदमी का आइकन देखते हो ना एकदम सीधे उसके नीचे ला करके रख देना है। उसके बाद कितना पर उसे सेट करना है और कहाँ पे, तो देखिए मैंने आपको कहाँ पे ये बता दिया और सेट कैसे करना है। तो जितना आप जो आपका फायर बटन है जिस हाथ उंगली से, यानी हाथ नहीं उंगली फिंगर, जिस उंगली से आप लोग फायर करते हो अपना फायर बटन पर उस उंगली को रखो और देख लो कि कितना साइज वहाँ पर हो रहा है। अपने एकदम उंगली के बराबर एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद उसमें 2% बढ़ा दीजिए। एडजस्ट करने के बाद 2% बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आपके फिंगर से थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि ड्रैग करने में बने आसानी से। उसके बाद आपको यहाँ से तो आपका सारा काम खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग स्टेज नंबर 3 की बात करें तो हमें फायर कैसे करना है वो, तो देखिए फायर हमें करना है, देखना है कि हम जिस पे फायर कर रहे हैं उसका हेड किधर हो, और लेफ्ट साइड के है तो लेफ्ट साइड की ओर ड्राई करना है, राइट साइड में है तो राइट साइड की ओर ड्राई करना है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ भी ड्राई करना है और इन दोनों को एक साथ ही ड्राई करें, ड्रैग ऊपर और लेफ्ट, अगर लेफ्ट में है तो राइट में है तो ऊपर और राइट, अगर इन दोनों को एक साथ ही ड्रैग करते हैं तो देखिए ऐसे ही हेडशॉट लग जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ जो फायर बटन है उस पर ध्यान दीजिएगा जब मैं हेडशॉट मार रहा हूँ तो। और इस वीडियो को अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो थैंक यू इतना वीडियो दूर तक देखने के लिए, लेकिन देखिए जैसे ही हेडशॉट लगेगा आप लोग देखिएगा, देखिए जैसे ही हेडशॉट लगा देख सकते हैं आप लोग फायर बटन को ऊपर और जिधर साइड है उधर दोनों एक साथ ही ड्रैग किया जा रहा है तभी जाके वो हेडशॉट बन पा रहा है। तो इतना दूर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप भी आसानी से हेडशॉट मार पाइएगा।